नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए भाई, अपना जो रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था वो था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे, टाइप बाय टाइप सीख भी रहे थे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और किसी कारणवश अभी मैथ की क्लास थोड़ी जल्दी बंद हो गई थी भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो कल आपको जहाँ पे क्लास स्टॉप हुई है, बंद हुई है, वहीं से कल स्टार्ट हो जाएगी मैथ की भी, ठीक है। गुड मॉर्निंग राधे राधे गजेंद्र, आपके लिए पूरा 1 मिनट का समय है। आप वीडियो को शेयर कर दो, और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों से मैं कनेक्ट हो सकूँ, और कनेक्ट होने के तुरंत बाद ही अपन स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे आराम से, और सारे टाइप पढ़ेंगे अपन, जो भी बच रहे होंगे वो भी पढ़ लेंगे अभी, और फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। तो शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों में। गुड मॉर्निंग बुधराम, टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। मैंने बताया था कूट वाचन, कूट लेखन। कूट वाचन वो होता है जो इस किसी कोड को पढ़ करके समझ जाए कि इसका अर्थ क्या है, और कोडिंग कूट लेखन यानी कि उस किसी शब्द को किसी कोड के रूप में लिखना, कूट लेखन कहलाता है, ठीक है। चलो देखो, अभी तक आपने देखा टाइप, फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, इसमें देख रहे थे अपन कि एक शब्द बढ़ रहा था, एक एक बढ़ रहे थे, दो दो बढ़ रहे थे, एक दो तीन चार, इस तरह से क्रम बढ़ रहा था। उसके बाद में क्रॉस कोडिंग भी पढ़े थे अपन ने, ठीक है, फिक्स कोडिंग भी पढ़ा था अपन ने, क्रम परिवर्तन भी अपन ने पढ़ा था। अब उन्हीं क्वेश्चनों को आगे चलते हैं। अक्षर का कोड संख्या के रूप में कल छोड़ा था मैंने, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वहीं से, क्वेश्चन का जवाब देना और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग संगीता, चलो भाई स्टार्ट करता हूँ जहाँ से कल छोड़ा था। कल कितने क्वेश्चन हो गए थे एक बार मेरे को बता दो आप। कल कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे जल्दी से कमेंट करिएगा। गुड मॉर्निंग पूजा, 18 तक हो गए थे। चलो स्टार्ट करो 19वां, 17 तक हो गए थे, 18वां मैंने छुड़वाया था, है ना। और तो स्टार्ट करो 19वां, 18वें को बाद में देख लेंगे अभी क्लास छोड़ने से पहले ही। होमवर्क जो मैंने दिया था वो 19 से दिया था भाई। वेरी गुड गजेंद्र, और 19वां क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाला है। ऊपर लगाओ, हाँ ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देते जाओ भाई। 19वें में एक गजेंद्र ने दे दिया मेरे को जवाब, पूजा ने दे दिया, मोहन जाट गुड आफ्टरनून, धर्मवीर का ए शाबाश, बहुत बढ़िया होमवर्क यदि आपने किया तो। बिल्कुल अपन जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, है ना, समझ लेना। नहीं आए समझ में तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। संगीता का भी ए है, ध्रुवी का ए। चलो देखते हैं इसको, देखो भाई PRATAP, इसको मैं लिख रहा हूं 16 18 12 01 और 16। चलो देखो भैया इसको PRATAP, और मैं इसको लिख रहा हूं 16 18 12 1 20 1 16। तो देखो ये एग्जैक्ट क्रम लिख रहे हैं क्या, P16 पे आता है, R18 पे, A1 पे, T20 पे, A1 पे, P16 पे,
तो इसी तरह से मोहन का भी ए आंसर है। आगे समझ में, NABIN, तो इसको भी मैं लिख दूंगा एन 14 पे, 1 पे, 22 पे, 9 पे, 14 पे, शाबाश सभी का सही है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 20, 20 में मैं धर्मवीर का डी, गजेंद्र का डी, शाबाश, जितनी जल्दी हो सके। मैंने होमवर्क में कल ही दे देते क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट करो भाई। पूजा का डी, शाहरुख का डी, शाहरुख गुड मॉर्निंग, धर्मराज का अभी आंसर आ चुका है डी, संगीता का डी, इरफान मोहम्मद का डी, शाबाश भाई शाबाश। वीडियो को शेयर कर दो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसको, है ना, एम एम के लिए यहाँ पे कॉर्ड है 4, 1, 1, 2, 5, 9। देखो भाई एम के लिए 4 आया है, ए के लिए 1 आया है, एस के लिए भी 1, टी के लिए 2, ई के लिए 5, आर के लिए 9। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आपको कल समझाया था एम का क्रम तो होता है 13, यदि मैं 3 और 1 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 4। ए 1 पे, एस का कितना होता है 19, 1 और 9 को जोड़ा तो 10, फिर 1 और 0 को जोड़ा तो 1, 1 आ गया यहाँ पे 19 में। टी 20 पे होता है, और 2 और 0 2, ठीक है। ई 5 पे, आर 18 पे होता है, 1 और 8 9। इसी तरह से मैंने पाउडर का चेक कर लिया, PODWDER, पी 16 पे आता है, 6 और 1 7, 15 पे आता है, 5 और 1 6, डब्लू 23 पे, 2 और 3 5, 4 5, 18, 1 और 8 9, 7 6 5 4 9, ठीक है, 7 6 5 4 5 9, कौन से ऑप्शन में है? डी में। चलो सही है भाई, अगले पे चलो, सब आपका सही है भैया। पार्वती का गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मोहन का गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें का सी यहाँ पे आंसर आया, धर्मवीर का, गजेंद्र का, शाबाश बहुत बढ़िया। आपके लिए पूरे 15 सेकंड है भाई, जल्दी से जवाब दे दो बस। यदि आपको लॉजिक याद भी आता है तो 30 सेकंड में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर याद आने वाला नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल ही। सपना का गुड मॉर्निंग, शाहरुख सी, पूजा का सी, धर्मराज का सी, इरफान मोहम्मद का सी, संगीता का सी, दिनेश गुर्जर गुड मॉर्निंग, सपना का सी, शाबाश बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसको, MENTAL, मेंटल को 65 कहते हैं भाई, MENTAL, तो एक बार जोड़ करके देख लो ये 65 हो रहे क्या। देखिए 13, 5, 14, 20, 1, 12, 13 और 5 18, 18 और 14 कितने हो गए भाई, 30 और 20 50, 50 51 और 12, जोड़ लो इनको, है ना, 13 और 5 18, 18 में 14 जोड़े तो 8, 4 12, 22, 22 और 10 32, 32 और 20 42, 42 और ये 13 कितने हो गए, कहीं दिक्कत है क्या इसमें? पैसठ हो रहे क्या भाई, ये जोड़ लेना है ना, 13 और 5 18, 18 12 और 1 13, कुछ छूट तो नहीं गया, 8 4 12, 12 और 3 15, आशिल लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, 65। अब उनको सभी को काउंट करना है, आपको मेंटल को तब 65 हो चुका है। आगे है एबिलिटी, ABILITY, फिर है टेस्ट, तो लास्ट वाले को जोड़ लो, टी 20 पे आता है, पी 5 पे, एस 19 पे, ये 20 पे। देखो 20 और 20 40, यदि एक इधर जाएगा तो 60 और 4 64, यानी 65 से स्टार्ट है, 64 पे खत्म है, कौन से ऑप्शन में सही है? सी ऑप्शन सही है आपका सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पर लगाया जाए। भाई समझ में नहीं आए तो रोक देना उसी टाइम, कमेंट कर देना, बाकी चलते रहो आगे। बाईस में का आंसर बी मेरे को मिल गया है, पूजा का, दिनेश का सी, गणेश सैनी का सी, पूजा 23 पे नहीं जाना,
ध्रुवी 22वीं में भी, सपना का भी बी। चलो देखते हैं इसको, 2 4 6 8 5, और इसको मैं कह रहा हूं क्या, 4 2 8 6 7, 4 2 8 6 7। देखिए 2 बढ़ रहा है क्या, यहाँ पे 2 कम हो गए, फिर से 2 बढ़ गए, फिर 2 कम, फिर 2 बढ़ गए, यानी कि पहले बढ़ा फिर घटा, तो पहले बढ़ा देंगे 3 5 7 9 1। तो देखिएगा 3 और 2 5, 5 में से 2 गए तो 3, 7 में से 2 जोड़ दिए, 7 और 2 9, 9 में से 2 गए 7, और 2 जोड़ दिए 3, 5 3 9 7 3, कौन से में है, ऑप्शन भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। वेरी गुड मॉर्निंग सर। ठीक है भाई, मैथ की क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से छूट गई थी, कल स्टार्ट हो जाएगी आपकी फिक्स 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दो। और 23वें का बी, धर्मवीर गजेंद्र का बी, सपना का बी, संगीता का बी, शाबाश। देखो ए का 26 हो रहा है क्या, यहाँ पे ए का 26 हो रहा है, जबकि ए आता कौन से क्रम पे है, ए पर, एक पर, और 26 कैसे हो रहा है, तो विलोम हो रहा है इसका उल्टा। मैंने बताया था विपरीत ए का क्या होता है, जेड। तो देखो ए का उल्टा होता है जेड, और जेड आता है 26 नंबर पे। यदि बात करूं मैं सन, SUN, सन, देखो एस तो आता है 19 नंबर पे, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, एच। एच कौन से पे आता है, 8 पे। यू 21 पे आता है, लेकिन इसका उल्टा, फादर अंकल मान जाओ एम। एफ आता है 6 पे, एम आता है 13 पे। ठीक है, अब इनको जोड़ो भाई, और कुछ है क्या इसमें, 8 6 14, 14 और 13 27। देखिएगा नेक्स्ट इसमें पूछा है CAT, सी का उल्टा, CX AZ, GT रोड, 24 26 7, इनको जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 57। ऑप्शन बी सही है। ठीक है अर्चना शर्मा, सब कुछ रिपीट हो जाएगा बिल्कुल सारे टाइप। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सभी का सही है भाई, और चलो 24वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 का पूजा का आंसर मिल गया, ध्रुवी का मिल गया, राम अवतार का पुराने क्वेश्चन का है कि नए का, भाई ये पुराने का था। ठीक है, गजेंद्र का बी है, हाँ भाई टाइम से डालो, इनके आंसर है ना, सपना का बी सही है, संगीता का बी, और धर्मवीर का बी। बहुत बढ़िया, जैसे ही क्वेश्चन डाले उसके तुरंत बाद आंसर डाल दिया करो, शाबाश। धर्मराज का बी, चलो देखते हैं, मोहन का भी, सी बराबर 3 है तो सी तो आता ही 3 नंबर पे है, FEAR, फियर, कौन से क्रम पे है, 30 पे। एक बार जोड़ के देख लेते हैं वो, 6 5 1 18, ठीक है, 6 और 5 11, और 1 12 12 और 18 30। तो अपन को देखना है क्या, HAIR, H 8 पे, 1 पे, 9 पे, 18 पे, इनको सबको जोड़ दो भाई, 8 1 9 9 9 18 18 18 36। वेरी गुड, बी सही है, बुद्धराम का, मोहन का। चलो चल अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, उसी क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, गजेंद्र का सी, पूजा का सी, धर्मवीर का सी, शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी से कर लो भाई, 30 सेकंड का टाइम है आपके लिए, सबके पे सबका आंसर आना चाहिए, है ना। सपना का सी, राम सिंह का सी, बुद्ध राम का सी, मोहन जाट का सी, शाबाश, बहुत बढ़िया।
अर्चना जी कोशिश करो आंसर देने की, चाहे गलत सही कैसा भी आए एक बार पता तो चले ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सवाब का सी, उमर फारूक का सी, इरफान मोहम्मद का सी, हर्षवर्धन का भी सी। शाबाश, देखिएगा इसको, जेड बराबर 26, जेड 26 पे आता है। वेरी गुड। और आगे है NET बराबर 39, NET। तो देखो एन 14 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 20 पे आता है, 14 और 5 19 और 20 39। शाबाश, बहुत बढ़िया। NUT नेट इसका जोड़ देंगे अपन, 14 U 21 T 20। देखो 20 और 20 40 और 1 41 और 4 45 और 55 10। ऑप्शन सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमित का भी वेरी गुड भाई, 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। शाबाश, 30 सेकंड का टाइम है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग। यदि वीडियो में मजा आ रहा है, वीडियो पसंद करते हो तो लाइक कर दो, इससे मेरा उत्साह और भी बढ़ जाएगा। छब्बीस में बी गजेंद्र का, उमर फारूक का बी, मोहन का, अर्चना का बी, राम सिंह का बी, सपना का बी, संगीता का बी, धर्मराज, सुमित, ध्रुवी, मोहन, बुद्रा। वेरी गुड भाई, हर्षवर्धन का भी बी है, मोहन का, गणेश का, इरफान का। वेरी गुड, पूजा का 26वें में बी। वेरी गुड, चलो देखते हैं इसको। एफ बराबर 6, तो एफ तो 6 पे आता है, लेकिन आगे देखते हैं। MAT मेट बराबर 34 दे रखा है, एम कितने पता है, 13 1 20, 13 1 14 20 34, तो जोड़ देंगे CAR के लिए। 3 और 1 4 और 18 और 4 22। वेरी गुड, सही है भाई सभी का। चलो चलते अगले क्वेश्चन पर। हाँ भाई गजेंद्र, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहुत बढ़िया, सत्ताईस क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से जितनी जल्दी हो सके कमेंट करो भाई। क्या बात है दिलीप, आज टाइम से आ गया लेकिन आंसर भी दे, बहुत बढ़िया लिखा आपने। धर्मवीर का सी, ध्रुवी का सी, उमर फारूक का सी, मोहन का सी, गजेंद्र का सी, सपना का सी, संगीता, धर्मराज, अर्चना, सभी के आंसर सी आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 27। चलो देखते हैं, राम सिंह का भी है, बुद्धराम का और हर्षवर्धन, गणेश, शाबाश। डब्लू 23 पे आता है, वेरी गुड, 23 पे आ गया भैया। डब्लू आई एन, देखो डब्लू 23 पे, आई 9 पे और ये एन 14 पे, 14 और 9, 23 और 23 कितने हो गए, 46। तो डब्लू ए बाई 23 पे आता है, 1 पे आता है, बाई 25 पे आता है, ठीक है 23 है भाई ये ना, 23 और 1 24, और 24 और 25 49। शाबाश, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 लगाया जाए। सौरभ, सवाब का सही है, सुमित का सही है, दिलीप का सही है, धनश्री गुर्जर का सही है, रामतार का सही है, संजीव कुमार का गुड मॉर्निंग, संजय सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से जवाब दो भाई इसका। शाहरुख का सी आंसर यहां पे आया है, 28वें का। वेरी गुड शाहरुख, अर्चना का सी, सुमित का सी, राम सिंह का सी।
ध्रुविका सी, संजय का 45 सी, धर्मवीर सी, दिलीप का 45, ऑप्शन सी, हर्षवर्धन का सी, शाबाश बहुत बढ़िया। गजेंद्र का सी, बुद्धराम का सी, शाबाश। धनराज का भी सी, उमर फारूक का सी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं इसको। जी ओ टी यानी कि 7 पे आता है, ये 15 पे आता है, टी 20 पे आता है। 15 और 7 22 और 20 42। आगे है बी ए टी ए टी ए, बी 2 1 20 1 20 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, और 20 और 20 40 45। संगीता का सही है, मोहन का सही है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। सपना का सही है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। धर्मवीर का ए, गजेंद्र का ए, शाबाश बहुत बढ़िया धर्मवीर। संजय का ए, अर्चना शर्मा का ए, वेरी गुड अर्चना। शाहरुख का ए, बहुत बढ़िया भाई। धर्मराज का ए, धनराज का भी ए, सपना का ए, ध्रुवी का ए, धनश्री का सी, वेरी गुड धनश्री। राम सिंह का ए, सुमित का ए, सभा अहमद का ए, और उमर का ए, संगीता का ए, पूजा का 29वें में ए, वेरी गुड पूजा। बुद्धराम का ए, तो एक का सी भी मिला था भाई, एक बार वो चेक कर लो जिसका सी आया था। ई बराबर 5 होता है क्या? दिलीप का 28 ए, ए बराबर 5 पे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एच ओ टी ई एल, एच 8 पे, 15 पे, 20 पे, 5 पे, 12 पे, इनका जोड़ कितना हो रहा है भाई? देखो 8 और 15 कितने होते हैं, 23 और 20, 43 और 5, 48 और 12, 60। अपन को एल ए एम बी के जो अक्षरों का क्रम है वो जोड़ना है। एल 12, 1 13, 2 12 और 1 13, 13 और 13 26 और 2 28, शाबाश बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिलीप का 28, इरफान का 28, जिसका सी आया था उसके समझ में आ गया क्या, बता देना मेरे को भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वेरी गुड धनराज। धर्मवीर का ऑप्शन बी, वेरी गुड धर्मवीर। सुमित का बी, रविराज का बी, शाहरुख का बी, इरफान का 35 बी, मोहन का बी, उमर फारूक का बी, अर्चना शर्मा का भी, वेरी गुड अर्चना। संजय का 35 भी, संगीता का भी, राम सिंह का भी, वेरी गुड। मोहन जाट 35 भी, धर्मराज भी, ध्रुवी भी। चलो देखते हैं, ई बराबर 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ई 5 पे आता है, क्लियर है ये चीज। एच ई एन एन बराबर दे रखा है 27, 8 5 और ये 14, 8 5 13 और 14 27, तो मैंने पी ई एन के क्रमों को जोड़ा, 16 5 14, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 35, 16 और 14 30 और 5 35। चलो भाई ये 30वें तक, बी तक समझ में आया क्या, 30वें क्वेश्चन तक। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप क्वेश्चन नंबर जो छोड़ा था अपन ने, कौन सा छोड़ा था, एक 17 18, 18 में छोटा था शायद, 18 में लगाओ।
उसके लिए आपको पूरे 30 से 40 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट करना जितनी जल्दी हो सके। धनश्री गुर्जर का वे भाई 30 नंबर के क्वेश्चन तक समझ में आ गया कि आपके, जल्दी से कमेंट करो मेरे को, इससे क्या होगा कि मैं अगला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। वेरी गुड, हाँ 18वां क्वेश्चन लगा दिया गया आपको डिस्प्ले पे, जल्दी से जवाब दो भाई इसका। जल्दी से कमेंट करो भाई, और यहाँ पे आंसर आने लग गए, सुमित का डे, पूजा का डे। और ध्रुवी का, पूजा का, संगीता का, गणेश का, सवाब का, रविराज का, इरफान मोहम्मद, संजय, सबका डी आ रहा है। देखना पड़ेगा भाई, लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक बताओ जल्दी से कमेंट में, लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे। शाहरुख का सी, वेरी गुड शाहरुख। यदि कुछ करने का जज्बा रखते हो तो ये करके दिखाओ। ताराचंद मीना डी। हाँ भाई लॉजिक समझ में आया क्या, लॉजिक क्या लग रहा है। अब न, इतने सारों ने ऑप्शन डी आंसर दिया लेकिन लॉजिक नहीं बताया मुझे। ताराचंद डी बता दिया, रे बता दिया, दो और बच रहे वो भी बता दे भाई। चलो देखते हैं क्या फिर इसको, मैं बताऊं। मोहन का सी, वेरी गुड मोहन। हर्षवर्धन का डी। लॉजिक बताओ भाई लॉजिक। -5, -6, -7, ठीक है। और ये लॉजिक लगाने पे ऑप्शन सी आ रहा है या डी आ रहा है। अर्चना का आंसर देखना कमेंट ऊपर करके। चलो ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं अभी। हाँ ऑप्शन बी आ रहा है अर्चना का, नहीं हर्षवर्धन का बी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, शाबाश। चलो देखते हैं, देखिएगा जो DELHI है वो 33 पे है। DELHI 33, देखो डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, एल 12 पे आता है, एच 8 पे, आई 9 पे, सबको मैंने जोड़ा, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 20 38,
जबकि यहां पे तो देख कितना रखा है, 33। कितना कम हो रहा है भाई, 5 कम हो रहा है क्या? चलो मैंने 5 कम कर लिया, लेकिन लॉजिक क्या लगा देखते हैं अगले में भी। BOMBA भाई, और इसका दे रखा है यहाँ पे कितना, 52। मैंने जोड़ा 2 15 13 2 1 25, सबको जोड़ा तो कितना है यहाँ पे, 58। कितने कम हो रहे हैं, 6। देखो यहाँ पे 5 कम इसलिए हो रहे हैं, लॉजिक ये है कि देखो 1 2 3 4 5 जितने अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट है, 5, तो 5 कम कर दिया। नेक्स्ट वाले में अल्फाबेट है कितने, 6, तो 6 कम कर दिया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता, KOLKATA, इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस कर देंगे, और इसका योग आपका कितना आया था देख लो भाई, इसका योग कितना आया था, 11 12 12 11 1 20, और ये 1, इनको कंप्लीट को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 71। और 6 माइनस किया आपने, सॉरी कितने अक्षर, 7 जो माइनस किया, तो आपका बच जाएगा 64, ऑप्शन सी। वेरी गुड अर्चना, सही है, बिल्कुल सही है आपका। अब मेरे को बताओ एक बार ये समझ में आ गया क्या, लॉजिक ये है भाई कि पहले तो इनका योग करना है, उसके बाद अल्फाबेट कितने हैं, अक्षर कितने हैं, वो घटा देने हैं। ठीक है, थोड़ा हटके है क्वेश्चन, यदि समझ में आ गया हो तो यस लिख के मेरे को बताओ, इससे मेरे को पता चले मैं आगे बढ़ूं। चलो वेरी गुड पूजा, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। TIGER को मैं कहूं ABCDE कॉर्ड के रूप में, LION ON को मैं कहूं PBQR, तो IRON को क्या कहूंगा? और इसके आंसर भी मेरे को मिलना स्टार्ट हो गया था, मोहन का आया था लेकिन पढ़ नहीं पाया मैं, वापस से भेज दो भाई। अब इसके आंसर भेजो भाई जल्दी से जल्दी। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके समझ में आ गया। मोहन इसका आंसर भेज जल्दी से, पहले क्या भेजा था आपने, BEQR। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, BEQR, भूपेंद्र भरतपुर धर्मवीर खटारा। वेरी गुड भाई, पता है आपका, भरतपुर से देखते हो मेरे को डेली, बहुत बढ़िया। गजेंद्र आप भी वहीं से देखते हो, बहुत अच्छा कंपटीशन कर रहे हो दोनों, यही चलता रहना चाहिए भाई। DK BEQR, संगीता का भी BEQR, शाबाश शाबाश, सभी का सेम ही है ना, चलो समझते हैं इसको, बहुत बढ़िया। देखिए भैया हुआ क्या, टाइगर को मैं ये कह रहा हूं, अब यहाँ पे लॉजिक कुछ लग नहीं रहा, 20 से 1 पे आ रहा हूँ यानी कि माइनस के 19, और आई से बी पे आ रहा हूँ यानी कि अब कितना कम हुआ, 2 में से 7 गए, -7, ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक होना चाहिए तरीके का, जो वास्तव में लॉजिक हो वो बैठ जाए, अपनी मनमर्जी से ऐसे मत करना कि यहाँ तो पहले में 19 कम कर रहे हैं फिर 7 कम कर रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हाइड कर देना, फिक्स कोडिंग के क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है, फिक्स होता है कि टी का कॉर्ड फिक्स हो गया है यहाँ पे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल टी का भी ए ही होगा। अब देखो इन दोनों में कोई शब्द कॉमन है क्या, हाँ है आई, और आई का यहाँ पे क्या है, बी, और यहाँ पे भी क्या है, बी, तो बस आपको बस आंसर देखना है यहाँ पे और छापना है, आई का क्या था, बी, आर का लास्ट में है ना आर, तो ई, ओ तीसरे नंबर पे, ओ क्यू, एन लास्ट में है आर, बी ई,
QR, भाई ये समझ में आ गया क्या? फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, BE QR, सबके समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का है, टाइप नेक्स्ट है, इसी में देख लेना है ना। बस क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंक मार जाए। देखिए, शब्द का कोड शब्द के रूप में, बहुत अच्छा है। इसमें होता क्या है कि किसी शब्द को अपन दूसरे शब्द से कोड के रूप में कहें, कि मेरे को मान लो लाल को बोलना है, और मैं पहले से आपको बता दूं कि मैं लाल हरे को कहता हूं, तो आप समझ जाओगे कि मैंने लाल कहा, यानी कि आप हरे के लिए बोल रहे हो, यानी कि दोनों व्यक्तियों को पता होना चाहिए। यदि लाल को हरा कहें, हरे को नीला, नीले को पीला, पीला को सफेद, तो आसमान का रंग होगा शाबाश, जल्दी से जवाब दो। जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो। डीके म्यूजिक, मनोज का आंसर आया मेरे को पीला, वेरी गुड मनोज। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, आराम से जवाब दो इसका जल्दी से, और भी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा फिर। शाबाश सभी का, येलो येलो आ रहा है भाई, बुद्धराम का भी, संगीता का, संजय का, मोहन का, धर्मराज का, राजवी, रविराज का, पूजा का नीला आ रहा है, अशोक का पीला, ताराचंद का पीला, और ये हमारी लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं ताराचंद जी, पीड़ा होगा ना, काले को काड़ा कहते हैं, पीले को पीड़ा। चलो देखो, आप समझ लो इसको। अब मैं जहां भी लाल का प्रयोग करूंगा ना, तो लाल को क्या कहूंगा? हरा, ठीक है। अब यदि हरे की बात आएगी तो हरे को क्या कहूंगा? नीला। यदि बात नीले की आती है तो नीले को पीला, और पीले को सफेद। अब देखो, आसमान का रंग होगा, आसमान का रंग वास्तव में होता कौन सा है? नीला होता है, लेकिन कहूंगा क्या? पीला। क्या कहूंगा भाई? पीला। समझ में आ गया ये? देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि, जल्दी से बताना भैया, है ना, अस्पताल को विद्यालय कहे, विद्यालय को कॉलेज कहे, विद्यालय को कॉलेज कहे, कॉलेज को डाकघर कहे, डाक, ठीक है भाई। तो आप बताओ, कक्षा 10 के बच्चे पढ़ने जाएंगे, कक्षा 10 के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? नमस्ते गणेश, यदि हॉस्पिटल को स्कूल कह रहा हूं, स्कूल को कॉलेज और कॉलेज को डाकघर, कक्षा 10 के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? गजेंद्र स्कूल में भेज रहा है भाई, स्कूल को मैं कह क्या रहा हूं? धर्मवीर कॉलेज, शाबाश उमर फारूक, मनोज, मनोज हॉस्पिटल में भेज रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। अच्छा, इस वजह से कोरोना चल रहा है, इस वजह से ना।
कोरोना पे ध्यान रखना भाई, है ना, घर से बाहर मत निकला करो कम से कम। कॉलेज 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 सुमित सोनू सवाब मनोज सोनू ध्रुवी शाबाश बहुत बढ़िया। देखिएगा हॉस्पिटल से विद्यालय कह रहे हैं, और विद्यालय में पढ़ते हैं कक्षा 10 के बच्चे, अब वो जाएंगे कहाँ, कॉलेज। ठीक है कॉलेज जाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं अपन एग्जाम के लिए, है ना, नहीं तो लॉकडाउन में कॉलेज बंद है। चलो चलते अगले क्वेश्चन पे। कॉलेज सही आंसर हो जाएगा भाई। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल जवाब जल्दी से देना, समझ लेना क्वेश्चन को अच्छे से। यदि डॉक्टर को डाकिया कहा जाए डाकिया को मरीज कहा जाए मरीज को मरीज को शिक्षक कहा जाए शिक्षक को एएमजी कहें, तो आपको कौन पढ़ाएगा, या बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये समझने के लिए क्वेश्चन है, बस ये खत्म हो जाएगा टाइप। जय श्री राम। डॉक्टर को डाकिया, यानी कि डॉक्टर का जहां भी नाम आएगा उसके लिए अपन डाकिया का यूज करेंगे, और जहां भी डाकिया का नाम आएगा वहां पे मरीज का यूज करेंगे। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन करता कि पत्रों को कौन डिलीवर करेगा, तो अपन वहां पे डाकिया का नाम नहीं लिख करके मरीज का लिखते। ठीक है, यदि मैं कहता इलाज के लिए कौन जाएगा, मरीज जाते हैं, लेकिन मरीज को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शिक्षक, तो शिक्षक का नाम आता। लेकिन मैंने कहा कि आप पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे, तो ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए एएमजी में आना है। एएमजी ने अभी ऑनलाइन क्लासे लगा रखी हैं, तो आराम से घर बैठ के पढ़ो आप, जब तक लॉकडाउन चल रहा है भाई। शाबाश बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। इसका भी नेक्स्ट पार्ट है वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। ये सबसे डिफिकल्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बैंक में अधिकतर पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, और आपके पटवार का जब लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी पूछेगा। चलो देखते हैं फिर इसको, है ना। देखिए बाइक का कॉर्ड बाइक के रूप में, ये टाइप समझ लो भाई अच्छे से, बहुत अच्छा टाइप है, बिल्कुल ध्यान से देखना है स्टार्टिंग में, है ना। इसमें निर्देश आएंगे पहले, तो बाइक का कॉर्ड बाइक के रूप में देखिएगा। राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है, एक शब्द है यहाँ पे पूरा बैक है, राम इज ए स्टूडेंट को पा नू टा की लिखें, ठीक है, पा नू टा की लिखें, श्याम इज बेस्ट को ला ता री। आराम से समझना भाई क्वेश्चन को, और एक बार यदि पेन रफ कॉपी ले रखी हो तो एक बार उतार भी लेना इस क्वेश्चन को, है ना। शाबाश, देखिए नेक्स्ट आगे यहाँ पे है, राम एंड श्याम को जी रे पा कहें, तो राम का कॉर्ड, दूसरा श्याम का कॉर्ड, और तीसरा आपको बताना है
एज का कॉर्ड। तीनों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, राम का कॉर्ड, श्याम का कॉर्ड और एज का कॉर्ड। जल्दी से जवाब दो, और यदि आपके लिए पूरे 30 सेकंड है भाई, और जल्दी से जवाब दो, है ना। यदि लिख रहे हो तो आप ज्यादा टाइम ले सकते हो। राम का कोड बताना है, श्याम का कोड बताना है, इज का कोड बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, राम का कोड, श्याम का और इज का। राम का तो आया है पा, सीधा सा क्वेश्चन है ये, टेंशन मत लेना भाई, अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन मैं एक बार समझा दूं आपको। श्याम का री, वेरी गुड। अर्चना पी ए एल ए, राम का पी ए और श्याम का एल ए, तो मैंने, हाँ जी, नहीं है इसमें फिक्स नहीं होता अर्चना कि आगे श्याम है, तो इसका भी यही होगा। बिल्कुल धर्मवीर, श्याम का एल ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता, पी ए एल ए एन ए, एल ए तो गलत है भाई। चलो देखते हैं ना, समझ लेना भाई, ध्यान से समझना आप इसको, मैं समझा रहा हूं। ये वाक्य है, राम इज ए स्टूडेंट, चार शब्द है यहाँ पे, ये तो इनके कॉर्ड भी यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनका क्रम यही हो, कि राम का यहाँ पे पी फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ पे भी पी हो, ये फिक्स नहीं होता है इसमें कभी भी, है ना, तो ये फिक्स नहीं करना अपन को। चलो देखो, नीचे है श्याम इज बेस्ट, तो पहली बात तो ये, इन दोनों लाइनों में तुलना करनी होती है आपको, ठीक है। दोनों लाइनों में तुलना करो, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो देखो, एज ऊपर भी है, इज नीचे भी है, तो इनका कॉर्ड भी इज का समान होगा, कहीं भी हो तो एक कॉर्ड भी यहाँ पे समान दिखेगा आपको। देखना इसमें क्या समान दिख रहा है, टी ए, देखो यहाँ तो इज सेकंड नंबर पे है, यहाँ टी ए कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो ये कभी फिक्स नहीं होता, और इज का कॉर्ड मैंने लिख दिया टी ए। अब देखो भाई, सेकंड और थर्ड में यदि मैं तुलना करूं, तो दोनों में कॉमन क्या है, श्याम, तो एक कॉर्ड भी कॉमन होगा श्याम के लिए। दोनों में कौन सा कॉर्ड कॉमन है भाई, देखो आर ई कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो श्याम का हो गया क्या, आर ई। चलो बात करें आगे, देखो भैया, फर्स्ट और थर्ड में एक चीज कॉमन है, क्या, राम, तो फर्स्ट और थर्ड में एक कॉर्ड भी कॉमन होगा, कौन सा कॉमन है, पी ए, और यहाँ पे भी क्या है, पी ए, राम के लिए आ गया पी ए। देखो यदि मैं बात करूं एंड की, तो एंड के लिए कौन सा बच गया है, ये जे। भाई ये समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ भाई मेरे को। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका बुद्धराम। ये समझ में आ गया है क्या, जल्दी से बताओ मेरे को। किसी के भी समझ में नहीं आया हो तो अभी कमेंट कर देना, मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए दूंगा फिर अभी, है ना, दे दूं आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है भाई। अच्छा, सवाब के नहीं है, सवाब एक बार देख ले इसको अच्छे से, होता है क्या है, इस तरह से आपको निर्देश लिखे हुए आएंगे कि इसको ये कहूं, इस वाले को ये कहूं और इस बैग को ये कहूं। तो सबसे पहले तो अपन को दो लाइनों में तुलना करनी है, तुलना कितने में करनी है, दो में, चाहो तो पहली दूसरी में करो, चाहो तो दूसरी तीसरी में करो, कोई सी में भी करो, लाइन दो होनी चाहिए। मैंने तुलना की यहाँ पे कि इन दोनों में क्या कॉमन था, एज, जब भाई बाइक में कोई शब्द कॉमन है तो इसका कॉर्ड भी कॉमन होगा। मैंने चेक किया यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन क्या था, टी ए, टी ए, तो एज का कॉर्ड हो गया
टीए, शाबाश। अब देखो इससे आगे दूसरे और तीसरे में मैंने तुलना करी तो यहाँ पे श्याम है और यहाँ पे भी श्याम है, तो कहीं ना कहीं श्याम का कोड आगे भी कॉमन होगा। मैंने इन दोनों में तुलना की तो आर ई और आर ई मिल गया, श्याम का कोड आ गया मेरे पास आर और ई। अब देखो पहली और तीसरी लाइन की मैं बात करूं, राम ऊपर वाली में भी है नीचे वाली में भी है, तो इसका कोड ऊपर वाली में भी होगा नीचे वाली में भी होगा, क्या है? पीए, पीए। तो राम का कोड हो गया पीए, ठीक है। अब जब राम का हो गया श्याम का हो गया तो बचा कौन? एंड, तो एंड का भी जेई। गुड आफ्टरनून भाई, समझ में आ गया क्या ये? चलो आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत खतरनाक आसान सा, चलो ठीक है ना, लेकिन आंसर सभी का आना चाहिए। जल्दी से बताओ डब्लू का विपरीत अक्षर क्या होता है, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ डब्लू का विपरीत अक्षर क्या होता है, जल्दी से फास्ट, यदि आपको याद है तो डब्लू का विपरीत अक्षर। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको बताना है अब इस क्वेश्चन में, वेरी गुड, सबका सही है, डी डब्ल्यू दूध वाला, एल आई ओ एन का कोड बताना है, टाइगर का कोड बताना है, ठीक है, इज का कोड बताना है, टाइगर का बताना है, इज का बताना है और गुड का कोड बताना है। शाबाश, जुट जाओ भाई, 22 लोग देख रहे हैं, 22 को आंसर चाहिए यदि समझ में आ रहा है तो, ठीक है, जल्दी से जवाब दो इसका। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लास चल रही है, और यदि आपको पसंद आ रही है मेरी क्लास तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो इसको और फैला दो अपने दोस्तों में। बिल्कुल नए नए टॉपिक आएंगे और इसके बाद आप टॉपिक बताना, फिर मैं वही टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा भाई, पहले लेकिन पटवारी के सिलेबस की बात करेंगे, है ना। शाबाश, भूपेंद्र का डे है, उस डब्लू का अपोजिट भरतपुर, गजेंद्र का, अर्चना का, सुमित का, पूजा का, राम सिंह का, संगीता का, सबका सही है, इसको कर लो अब आराम से। माधवपुर से हरिमोहन, ऑप्शन डी, शाबाश। ने, तू, ता, लोइन का ने। चलो मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, आप ऐसे कर लेना, पहला लोइन, दूसरा टाइगर, तीसरा एज और चौथा गुड, चार क्वेश्चन है आपके लिए। टाइगर का तू, लोइन का नी, इज का टा, लोइन का एन ई, वेरी गुड, अर्चना का आंसर मिल चुका है मेरे को, और गुड के लिए जेडी, शाबाश, सही है। सोनू का एन ई टी ए टी यू, सही है भैया, एन यू टी, क्वेश्चन तो चार है, आप तीन का आंसर दे रहे हो, सोनू जी, मनोज जी, संजय, ध्रुवी, गुड का जेडी, गुड का सही है, ठीक है, पूजा का सही है, चलो इसको समझ लेते हैं फिर, है ना,
चलो समझते हैं भाई, एक का एन ई, दूसरे का टी यू, तीसरे का टी ए। चलो देखो, जिसके समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लो, ध्यान से समझ में आ गया वो भी ध्यान से देख ले भाई, ये चीजें काम में आने वाली हैं। देखिएगा, टाइगर एंड लॉयन, मैंने कहा तुलना कितनों में होती है, दो में होती है। तो देखो इन दोनों में मैंने तुलना करी तो यहाँ पे मेरे को मिला लॉयन और यहाँ पे भी लॉयन। अब जब यहाँ पे लॉयन समान है तो इसका कॉर्ड भी समान होगा। क्या समान है रे इधर, एन ई एन ई, सभी का सही है ये, एल आई ओ एन का एन ई, मोहन का सही है, सोनू का सही है, उमर फारूक। देखो भाई, अब मैंने सेकंड और थर्ड में यहाँ पे एज है, ये भी एज है, तो इसका कॉर्ड भी समान होगा। देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, टी ए, तो ये किसका हो गया, एज का। नेक्स्ट बात करूं मैं, देखो यहाँ पे टाइगर है और फर्स्ट वाले में भी टाइगर है, तो फर्स्ट और थर्ड में ये भी कॉमन होगा एक ना एक कॉर्ड, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, टी यू, टी यू, तो टाइगर का क्या हो गया, टी यू। अब बचा क्या, जेड ई, किसका हो जाएगा, गुड का। बताओ भाई समझ में आया है कि ये क्वेश्चन पूरा, भाई समझ में आ गया, बाघ का कोड बाघ के रूप में। अब बिल्कुल अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, जल्दी से जवाब देना। टाइगर को आई टी जी आर ई लिखें, तो आपको बताना है एम ओ एच ए एन, मोहन को लिखेंगे, शाबाश। एम ओ एच ए एन को क्या लिखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है। कुछ करने का जज्बा रखते हो तो ये करके दिखाओ भाई। शाबाश, बताइए भाई इसका, और आंसर आने लग गए यहाँ पे, ओ एम एच एन ए, शाबाश, सही है धर्मवीर का, और गजेंद्र का सही है, अर्चना पूजा, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी कि आपके क्रॉस कोडिंग भी समझ में आ गई, क्रॉस कोडिंग में मैंने बताया था यदि दो अक्षर हैं तो कोडिंग किस किस तरह से हो सकती है, यदि दो अक्षर हैं तो इस तरह से क्रॉस हो सकता है। अक्षर तीन की बात करूं तो 80% क्वेश्चन क्रॉस कोडिंग के इन्हीं से हो जाएंगे भाई, 80%। बात रहती है 20% की, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से हो रहा है और इसमें कितने बढ़ रहे हैं। चार के लिए यदि मैं बात करूं तो इस तरह से हो जाएगा, यदि वो पांच